ये सब क्या हो गया बाबा? और माया और बाकी के लोग कहाँ चले गए? गुनकर, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। आज पूरे 8 दिन हो गए। बाबा, मुझे जीवन में पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने नियत स्थान पे आ गया हूं। मुझे जो चाहिए मुझे वो सब मिला। मैं ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सिद्धि करना चाहता हूं बाबा। नहीं गुनकर, तुम ये सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं और तुम वो नहीं कर सकते। बाबा, मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूं, बस आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो क्या तुम साधना के लिए तैयार? जी बाबा। अलख निरंजन। हमारी सिद्धि की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। साथ में पहला चरण आज से शुरू होता है। सफलतापूर्वक तुम्हारी सिद्धि का पहला चरण समाप्त हो गया है और अब तुम्हारी सिद्धि का दूसरा और अत्यंत दुष्कर चरण शुरू होता है। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरा चरण शुरू होने से पहले एक बार घर जाना चाहता हूं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। परंतु गुरुदेव, इन वस्त्रों में घर जाना उचित नहीं। यदि आप मुझे नए वस्त्र दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुदेव, परंतु एक विनती और। अगर माता पिता के लिए कुछ उपहार मिल जाता तो वो बहुत खुश होते।
धन्यवाद गुरुदेव। एक छोटी सी विनती और, अगर थोड़ा सा धन मिल जाता तो पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे क्षमा भी कर देंगे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। हमने तो तुम्हें देखने की आशा ही छोड़ दी थी। लीजिए, मैं आपके लिए उपहार लाया हूं। लीजिए पिताजी, ये मैं आपके लिए लाया हूं। जुआ खेलना छोड़ा नहीं? नहीं, जुआ तो मैं कब का छोड़ चुका हूं, बल्कि अब तो मैं एक सिद्धि प्राप्त करने वाला हूं। जिस सिद्धि को प्राप्त करते ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लीजिए ना पिताजी। मां, ईश्वर करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए। खुश रहो, सुखी रहो बेटा। तुम्हारे बेटे की बिना मेहनत के सुख सुविधा पाने की इच्छा अभी तक गई नहीं। गुनकर के माता पिता गुनकर से मिलकर बहुत खुश हुए और गुनकर भी अपने घर वापस आकर बहुत खुश हुआ। भाई, अपने घर आकर खुशी किसे नहीं होती। इस दुनिया में राजा विक्रमादित्य ही एक अनोखे इंसान है जो अपने घर वापस ही नहीं जाना चाहते। तू वापस जा या मत जा, मुझे तो अपनी कहानी पूरी करनी है, सो मैं करूँगा। गुनकर अपने मन में ये इच्छा लिए कि सिद्धि समाप्त होते ही वो दुनिया की हर खुशी पा लेगा। अपने गुरु के पास लौट आया और गुरु के आशीर्वाद से उसकी सिद्धि का दूसरा चरण शुरू हुआ। गुनकर ने अपनी सिद्धि की प्रक्रिया पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हर तरह का कठिन से कठिन जप तप किया ताकि उसे सिद्धि मिल जाए। और आखिर वो दिन आ ही पहुंचा जब उसकी सिद्धि का दूसरा चरण समाप्त हो गया। गुरुदेव, आज मेरी साधना संपन्न हुई, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि भी मिली है और अब मैं आपकी तरह कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। बताइए गुरुदेव, मैं आपको क्या भेंट करूं? अब बेटा, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। अभी लीजिए गुरुदेव। अलख निरंजन।